बारे में बताओ जरा। मैं लवीव की हूँ। मेरा नाम सुगंधा है, मैं लवीव में पढ़ रही हूँ यूक्रेन में। मैं सितंबर में गई थी लास्ट ईयर। हालात तो ठीक है बट अभी मेरे एरिया में ठीक थे बट बहुत जगहों पे बहुत खराब हालात हैं, तो हमें फिर आना पड़ा क्योंकि हालात का पता नहीं है कब खराब हो जाए मेरे एरिया में। सरकार की तरफ से हेल्प हुई पोलैंड से कब निकले थे? मैं लवीव से हूँ, मैं खारकिव से। अच्छा, लवीव से। आप लवीव से कब निकले? मैं फर्स्ट को निकली थी लवीव। और क्या क्या मुश्किल आई है आपको रास्ते में जब आप निकले हो? मुझे नहीं आई क्योंकि मैंने इसलिए बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, बहुत कठिन था। कैसी मुश्किलों को आपने फेस किया वहाँ पर? मुझे ज्यादा मुश्किलें नहीं आई, बस ट्रैवलिंग थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि वॉर के टाइम ट्रांसपोर्टेशन बंद होती है इसीलिए। अभी आपके कितने फ्रेंड्स वहाँ पे हैं या दोस्त आपके? मेरे दोस्त वापस आ चुके हैं। कितने ज्यादा हैं? लगभग सारे ही वापस आ गए हैं अभी, उनकी कल की आज की फ्लाइट है तो वो कल दिन तक पहुंच जाएंगे। कई बच्चों की वीडियो वायरल हो रही है, वो बोल रहे कि खाना नहीं मिल रहा है वहाँ पे। वो दूसरे बॉर्डर्स की बात है, मतलब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे घर आके। कैसी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। सो थैंक यू। वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि इंडिया को पसंद नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया को ऐसा कुछ लेके पसंद नहीं कर रहे थे। हाँ, वो जो पहले दिन आपने सुना कि जो बॉर्डर पर इंडियन बच्चों को मारा गया, वो यूक्रेनियन आर्मी नहीं थी, वो रशियन आर्मी थी, वो यूक्रेनियन नहीं थे वो लोग। मैडम मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तेरा सपना पूरा तो गीत गाया गया थी, हम हो गए कामयाब। मैं आज कामयाब हो गया, मैं आज कामयाब हो गया। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। भारत माता की जय। जा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। जो मेरी जगह खारकिव है वहाँ पे थोड़े से अभी है बट काफी लोगों को, काफी बच्चों को निकाल दिया। कैसे हालात को आपने फेस किया वहाँ पे? हालात कैसे? हालात तो जैसे मैं, मेरे मम्मी पापा ने कभी मेरे को डरना नहीं सिखाया है और मैं बिना डरे सबका सामना किया। मेरे सब वो बम जो है मैंने अपने कानों से सुन के फिर भी आगे चली। मैं मेट्रो में खाना बना के लेके जाती थी, सबको खिलाती थी, खुद खाना बना के लेके जाती थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरे को डरना नहीं सिखाया, इसलिए आज मैं अपने मम्मी पापा के कारण जीता हूँ, आप लोगों के कारण। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। वहाँ पे वो जो बच्चे हैं, जो बच्चे आए वहाँ पे, तीन बच्चे थोड़े बीमार हो गए थे उसके कारण भी होगी, उनका हार्ट अटैक भी आ गया उसके कारण भी होगी। एक बच्चे को मिसाइल लगी क्योंकि वो खाने की लाइन में लगा हुआ था और बाहर से उसको मतलब उसको मारा। खाने की काफी मुश्किल आ रही थी, खाने की मुश्किल आ रही थी हमें। लाइक थोड़ा राशन जो डाला था वो बहुत महंगा